से तो इसमें से निकालते हैं, और पहले ये देख लीजिए आप, पूरा इसमें टैगिंग लगा हुआ है पूरा। ऐसा नहीं है हमने अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगाया, हमने डायरेक्टली, मैंने अनबॉक्स कर चुका था आपको पता है, तो इसको फटाफट से करते हैं अनबॉक्स और आपको दिखाता हूँ कि कैसा है इसके अंदर क्या क्या चीज़ मिलता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। कैसे सभी लोग, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे पास आया है एक बहुत ही प्यारा डिवाइस, तो अपने जो ब्लॉग्स है वो एडिट करने के लिए कुछ हमको डिवाइस चाहिए था। अभी नहीं बताऊंगा कौन सा डिवाइस है क्योंकि आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे फिर बहुत अच्छा लगेगा तो वो आपको हिंट से तो पता चल जाएगा कि कौन सा डिवाइस है हमारे पास और क्या क्या फीचर्स है उसमें, पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो हमने कैसे परचेज किया, क्या उसके ऑफर्स थे, सब चीज़ बताऊंगा इस ब्लॉग में, तो बने रहना एंड तक। और पुराने ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करो। और मेरे आगे वाले जो ब्लॉग्स आएंगे बहुत तगड़े वाले आने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप पहले जाके सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, तो जिससे जो मेरे नए ब्लॉग्स आएंगे वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पहले ही दिख जाएंगे। तो चलो अभी करते अनबॉक्स अपने प्रोडक्ट को, तो चलो लेट्स स्टार्ट। फाइनली मेरे पास अभी जो अपना M1 आ गया है, और इसका अनबॉक्सिंग मैंने पहले ही मॉल में कर चुका है। तो आप बोलोगे कि ये रिपर्ड है, ये है, वो है, तो भैया हमारे पास पूरा प्योर बिल भी है जो हमने VR मॉल जो है हमारा नागपुर का वहाँ से परचेज किया है। ये है मेरे पास जो भी डिवाइस आया है, ये है MacBook M1। तो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं अभी और देखते हैं क्या क्या मिलता है इसके साथ। एक्चुअली मेरे को तो पता है क्या क्या मिलता है, कैसा है, कलर कौन सा है और कितने में प्राइस में पड़ा, वो सब चीज़ बताऊँगा मैं, लेकिन वीडियो में आपको एंड तक के बना रहना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इसमें से निकालते हैं, और पहले ये देख लीजिए आप, पूरा इसमें टैगिंग लगा हुआ है पूरा। ऐसा नहीं है हमने अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगाया, हमने डायरेक्ट परचेज किया है इसको मॉल से, क्योंकि हमारे पास था क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन, तो ये हमको बहुत कम प्राइस में पड़ा है। जो अभी की प्राइस है वो है शायद 99 समथिंग कुछ है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप यहां से अगर परचेस करना होगा तो देख लेना, लेकिन क्रेडिट कार्ड में ज़्यादा ऑफर मिलता है ये बात ध्यान में रखना। और स्टूडेंट कार्ड अगर आपके पास है स्टूडेंट ID, तो उसमें और कम पड़ जाएगा आपको। तो इसका एक्चुअली मैंने अनबॉक्स कर चुका था आपको पता है, तो इसको फटाफट से करते हैं अनबॉक्स और आपको दिखाता हूँ कि कैसा है इसके अंदर क्या क्या चीज़ मिलता है। सो गाइस, ये है वो डिवाइस जो हमको बहुत महंगा पड़ता है इस लोगों के कारण, किडनियां बेचनी पड़ती किडनी। राजा जी, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये ब्रांडिंग है मैकबुक एयर की, और अभी मैं इस एंगल से अब स्विच होता हूँ दूसरे एंगल पे, ठीक है, तो चलो मिलते दूसरे एंगल पे। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने अगला एंगल चेंज कर लिया ताकि आपको प्रोडक्ट भी दिखे, मैं भी दिखूँ और अनबॉक्सिंग भी। तो इसको करते हैं ओपन, खुल नहीं रहा, खुलेगा खुलेगा, बहुत मेहनत लगेगी। ये रहा, इसको रखते हैं बाजू में, और ये रहा हमारा मैक। एक्चुअली मैंने इसको ओपन कर चुका था, तो सॉरी, ये फिर से मेरे को वीडियो बनाने के लिए इसको करना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये है मैकबुक हमारा जो इसके साथ आता है। तो ये रहा प्रो अपना मैकबुक एयर, और इसको रखते साइड में और फिर देखते क्या क्या मिलता है। सॉरी, इसको इधर ही रख देते, और इसके साथ है कुछ मैनुअल्स जो हमको पढ़ना है, मतलब कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा कुछ अलग फीचर्स है तो वो यहाँ पे। और उसके साथ साथ मिल रहा है ये वारंटी कार्ड जिसके 1 साल की वारंटी जो भी है इसमें। फिर है चार्जर केबल, चार्जर केबल, और ये है चार्जर, ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें, बाकी कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं आता।
इसमें तो चार्जर भी आता है एप्पल के, फिर अगर दूसरे प्रोडक्ट्स में जैसे कि फ़ोन लोगे तो उसमें चार्जर वगैरह कुछ नहीं मिलता, सिर्फ केबल मिलता है। हाँ केबल मिलता है। तो ये है हमारा मैकबुक M1। तो चलो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। एक्चुअली मैंने इसको पहले से ही पूरा जो इसका कवर है, इतना ग्लॉसी इसलिए दिख रहा है इसके मैं पहले से ही कवर लगाया हुआ है। ठीक है तो चलो इसको करते हैं पहले अनबॉक्स। तो देखो ये ऐसा है, इसमें फिंगरप्रिंट है, तो फिंगरप्रिंट से खोलते हैं पहले इसको। नहीं खुल रहा। आ गया इसका इंटरफेस। अब मैकबुक एयर की खासियत क्या क्या है वो आपको सबको पता है। और इसमें रिस्पांस जो है भाई देखो, इसका एक्चुअली मैंने सेटअप पहले ही कर चुका था, पहले ही बताया मैंने, वीडियो बाद में बना रहा हूँ। तो ऑल चीज़ मेरा सेट है, सब चीज़ मैंने इंस्टॉल करके रख दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर एडिटिंग के लिए ये बहुत अच्छा है। और इसमें रिस्पॉन्स रेट देखो किसी भी चीज़ का ओपन होने का, और वाईफाई से अगर कुछ मैं सर्च कर रहा हूँ तो इतने स्पीड से आएगा कि भैया आप भूल ही जाओ। तो इसमें स्पीड बहुत ख़तरनाक चलता है भाई, बहुत ख़तरनाक। इसका मैंने टेस्ट देख चुका है, जो नॉर्मल रहता है उसमें वर्थ है भाई, जो पैसा दे रहे पूरा वर्थ है, पूरा वर्थ है। और इधर मैंने आपको दिखाते हैं, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो इसमें मैंने अपने सॉफ्टवेयर्स जो अपना एडिटिंग के लिए वो एक है, और अपना अभी फोटोशॉप वगैरह सब चीज़ इसमें अभी डालूंगा धीरे धीरे। अभी तो जो जो मेरे को यूज़फुल लगता है वही एप्लीकेशन है मेरे पास, तो देखते हैं अभी धीरे धीरे सीखेंगे। और अदर्स मतलब जितने और क्या क्या नए फीचर्स है वो सब बताऊंगा आगे चल के, अगर कुछ पता चलता है तो। तो ये था हमारा आज का प्रोडक्ट। प्राइसिंग की बात करूँ तो ये मोटा मोटा गिरता है 1 लाख का, 99 पॉइंट समथिंग का है, लेकिन 1 लाख का गिरता है। बट मेरे पास था स्टूडेंट आईडी, मेरे पास था HDFC का क्रेडिट कार्ड, तो तुम्हारा भाई भी थोड़ा ठीक है। ये कौन बेल बजा रहा है भाई, देखना पड़ेगा। तो ये मोटा मोटा मेरे को पड़ा है 85 का, तो 85 से भी कम का पड़ा है, लेकिन वो प्राइस मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, ये वाला सब्सक्राइब करो चैनल। और अनबॉक्सिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आई नो कि इसका साउंड मतलब मेरे पास कुछ सेटअप नहीं है, स्टूडियो नहीं है, तो अच्छे से नहीं कर पाया। बट जो हो सकता है मैं अपनी मेहनत से सब चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बस थोड़ा सा सपोर्ट करो। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और जाने से पहले सब्सक्राइब करो, और बस और क्या करना है, सब्सक्राइब भी तो करना है और कमेंट करना कि आपको कैसा लगा अनबॉक्सिंग। और कुछ एडिशनल फीचर्स मतलब इसके M1 के अगर आपको पता होंगे जो मेरे को शॉर्टकट मतलब इम्पोर्टेंस लगे कि मेरे को यूज़फुल होंगे, तो वो मेरे को ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।